हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहा माँ की किचन में बनने जा रही है 2-in-1 लेयर्ड आइसक्रीम, जिसमें ना ही हम किसी मशीन का यूज़ करने वाले, ना ही व्हिप्ड क्रीम का, ना ही कंडेंस मिल्क का और ना ही कोई मार्केट की एक्स्ट्रा चीज़ का। तो बहुत ही बढ़िया सी ये आइसक्रीम होने वाली है। और अगर आप एक बार ये सीक्रेट जान गए तो आप किसी भी फ्लेवर की दो तरीके की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे 1 लीटर दूध और दूध को रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए, जब तक इसमें अच्छे से बॉईल। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे 1 कप ठंडा दूध और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट, जो भी आपको मिल जाए, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप इसमें सिंपल सा 1 चम्मच मैदा भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें फ्लेवर देना चाहते हैं तो 2 चम्मच आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं और इसको अच्छे से घोल के तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 कप घर की फ्रेश मलाई। तो यहाँ पे हमें कोई भी बाजार वाली व्हिप क्रीम नहीं लेनी है, सिंपल घर की फ्रेश मलाई लेंगे और मलाई डालने का फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो यहाँ पे हमने घोल बना के रखा था वो भी हम डाल देंगे, इसको हम चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे तले में ना लग जाए कढ़ाई में। और यहाँ पे देखिए, जब ये मिक्सर हम डाल देंगे तो यहाँ पे जो दूध होगा वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार शक्कर, क्योंकि जो हम आइसक्रीम बना रहे हैं थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर, कुछ हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। अगर आप वनीला में आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ बूंदे आप वनीला एसेंस की भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं रबड़ी फ्लेवर दे रही हूँ तो यहाँ पे हम कोई भी एसेंस यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए परफेक्ट रबड़ी जो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इतना ही हम इसको गाढ़ा रखेंगे क्योंकि ठंडे होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं ठंडा और इसको हम छोड़ देते हैं इसी तरीके से कढ़ाई में। यहाँ पे मैंने ले लिया एक चॉकलेट डार्क बिस्किट जो कि ब्लैक मैजिक है। आप कोई भी डार्क चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं इस आइसक्रीम के लिए। तो यहाँ पे जब बड़ा वाला पैकेट हमें नहीं लेना है, इसी तरीके से छोटा वाला पैकेट लेना है। यहाँ पे बिस्किट हमने निकाल लिए इस तरीके से। अब चलते हैं आगे और यहाँ पे फिर से हम 1/2 कप ठंडा दूध ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कोको पाउडर और कोको पाउडर डालेंगे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो कोको पाउडर होगा बहुत अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा। और ये हमें ठंडे दूध में ही मिक्स करना, क्योंकि गर्म दूध में अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब फिर से चलते हैं गैस की तरफ और जो हमने रबड़ी बनाई थी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, 1/2 रबड़ी हमने इसमें से निकाल दी है। और यहाँ पे गैस का फ्लेम अभी ऑन नहीं करेंगे, पहले जो हमने कोको पाउडर का जो घोल बनाया था वो हम डाल देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स, और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। फिर जो हमने बिस्किट निकाल के रखे थे वो बिस्किट भी हम डाल देंगे और इस तरीके से स्पैचुला से अच्छे से बिस्किट्स को मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें ये प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच शक्कर और डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोको पाउडर यूज़ किया था और बिस्किट भी, इसलिए मिठास कम ना हो जाए आइसक्रीम की, इसलिए थोड़ा सा और शक्कर ऐड करेंगे। और फिर गैस का फ्लेम बंद करके इसको अच्छे से कर लेंगे हम ठंडा। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और सारा ये मिक्सचर हम डाल देंगे मिक्सी जार में और 2 से 3 सेकंड के लिए इसको हम अच्छे से चला लेंगे। एकदम स्मूथ सा इसका एक बैटर बनके तैयार हो जाएगा, एकदम बढ़िया से ये हमारा गनाश बनके इस तरीके से तैयार होगा। तो आप इसको ट्रांसफर कर लेंगे इस तरीके से कंटेनर में और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ये हमारा बैटर बनके तैयार हुआ है। अब जो हमने 1/2 रबड़ी बचाई हुई थी वो रबड़ी भी हम दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। अब इनके हम लगा देंगे लीड और करीबन 4 से 5 घंटे के लिए इनको हम रख देंगे डीप फ्रीजर में। तो चलिए रख देते हैं इनको डीप फ्रीजर में, उसके बाद में दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये दोनों आइसक्रीम हमारी सेट होकर तैयार हुई थी। तो इसके आगे का प्रोसेस हम थोड़ी देर में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए करीबन 4 से 5 घंटे हो गए थे और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छे से दोनों ही आइसक्रीम हमारी सेट होकर तैयार हो चुकी थी, चॉकलेट फ्लेवर भी और ये रबड़ी फ्लेवर भी। तो इन दोनों को कर देते हैं साइड और ले लेते हैं एक और कंटेनर। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 2-in-1 आइसक्रीम, तो जिसके लिए यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया है। तो यहाँ पे आप जैसे भी चाहें लेयर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे रबड़ी वाली लेयर। तो इस तरीके से स्पून से हम जो आइसक्रीम निकालते जाएंगे और इस तरीके से इस कंटेनर में डालते जाएंगे। और यहाँ पे व्हाइट लेयर लगाने का फिर हम लगा लेते हैं चॉकलेट वाली लेयर ऊपर से इस तरीके से। और चॉकलेट वाली लेयर लगाने का अच्छे से हम इसको पूरे कंटेनर में इस तरीके से स्पून की हेल्प से इस पूरे में सेट कर देंगे इस तरीके से। फिर ऊपर से डाल देंगे हम थोड़े से चोको चिप्स या फिर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और फिर से ऊपर से व्हाइट वाली लेयर हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो जितना बड़ा कंटेनर आप उस हिसाब से 2 से 3 लेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से व्हाइट वाली लेयर लग चुकी है और फिर से हम चॉकलेट वाली लेयर लगा लेते हैं। और लेयर लगाने का फिर से अच्छे से पूरे कंटेनर में इसको हम फैला लेंगे इस तरीके से। और जब सभी लेयर इस तरीके से लग जाएंगे उसके बाद कंटेनर को हम 2 से 3 बार इस तरीके से टैप कर लेंगे, जिससे कि कोई भी एयर बबल्स ना हो इसमें। और फिर इस तरीके से कोई स्टिक ले लेंगे या फिर आप चाहें तो स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस स्टिक से इस तरीके से अंदर से लेके हम अच्छे से इस तरीके से राउंड राउंड करते जाएंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी जो आइसक्रीम की दोनों ही लेयर बनके तैयार होंगी। तो 3 से 4 बार इस तरीके से हम कर देंगे स्टिक से। फिर उसके बाद हम ले लेंगे इस तरीके से एक प्लास्टिक शीट या फिर आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं या फिर दूध की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साफ करके। और फिर लगा देंगे इसकी लीड और
और फिर इस कंटेनर को हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में, जिससे कि बढ़िया सी हमारी आइसक्रीम सेट होकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको नेक्स्ट डे का क्लिप, तो कितनी बढ़िया आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है। फ्रीजर से निकालने का करीबन 10 मिनट के लिए आप आइसक्रीम को इसी तरीके से बाहर छोड़ दें, उसके बाद आप इसको सर्व करें। यहाँ पे अब मैं आपको आइसक्रीम निकाल के भी दिखा देती हूँ कितना स्मूथ टेक्सचर आया हमारी आइसक्रीम का। तो देखिए निकालने से आपको पता लग रहा हो कितनी स्मूथ हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए कितना एकदम स्मूथ हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर आया। कोई भी नहीं कहने वाला कि इस आइसक्रीम को हमने इतने सिंपल तरीके से और घर पे ही रखे कुछ सामान से बनाया। फिर हम इसको गार्निश करेंगे एकदम मार्केट स्टाइल में। तो ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप इस तरीके से, और फिर ऊपर से थोड़े से हम डाल देंगे चोको चिप्स, या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा टूटी फ्रूटी या फिर ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद आए उस तरीके से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और इतनी टेस्टी ये आइसक्रीम बनती है दोस्तों कि मुंह में ही जाते घुल जाती है। तो एक बार आपने ये आइसक्रीम खा ली तो बाजार की आइसक्रीम आप खाना भूल जाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही कम सामान और बिना झंझट के घर पे ही बनने वाली आइसक्रीम है। तो देर ना करिए, झटपटी आइसक्रीम बना के तैयार करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको आज की 2-in-1 लेयर्ड आइसक्रीम पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको सबका न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।